तो देखिए दोस्तों, मौसम थोड़ा ख़राब है और आज हम हैं बरोट में। और दोस्तों अभी 7:30 हो रहे हैं, नींद बहुत अच्छी आई। रात को 12 बजे सो गए थे हम। और ये जो माइक है, रिसीवर है, गोप्रो है, फ़ोन है, सब में चार्जिंग बहुत कम है, तो अभी लगा देते हैं। फिर से आएंगे यहाँ पे और फिर 2 घंटे बाद चलेंगे यहाँ से। और दोस्तों एक बात से मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुआ। रात को यहाँ पे बहुत सारे लोग गाड़ियों से बाहर निकल के नाच रहे थे, ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर पे गाने लगा के। लेकिन आप देखिए गंद कितना डाला है इन्होंने। देखिए देखिए देखिए, हर जगह गंद ही गंद। दारू पीते हैं और देखिए कितनी सारी बोतलें, मैं आपको दिखाता हूँ। देख के चलना पड़ता है कहीं कंकरी ना चुभ जाए। ये देखिए इतनी खूबसूरत जगह को दोस्तों, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, ऐसे टूरिस्ट मुझे लगता है दोस्तों अपने घरों में भी ऐसे गंद डालते हैं। बहुत दुख हो रहा है। ये देखिए पार्टी करते हैं और यहीं पे नमकीन वगैरह सब कुछ। ये देखिए क्या डिज़ाइन बनाया है, क्या बोले हैं ऐसे लोगों को। इस साल बरोट में मैं बहुत बार आया, सर्दियों में जब लॉकडाउन था तो यहाँ पे पूरी मार्केट में सिर्फ मैं ही था अकेला टूरिस्ट, और कोई भी नहीं था। और आज मैं देख रहा हूँ दोस्तों इतने ज़्यादा लोग हैं ना। लिटिल वाटरफॉल, ये देखिए बरोट। वैसे दोस्तों जब मैं अकेले आया था यहाँ पे सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी ना मुझे, मैंने जैकेट भी पहननी थी। लेकिन अब देखिए ऐसे सो गए थे हम, अंदर कुछ भी नहीं पहना है। रात को भी ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ दोस्तों बाइक है हमारी, यहाँ टेंट है, यहाँ मंदिर है, यहाँ पे ये डैम है, वहाँ पे ब्रोड की मार्केट है और वहाँ पे लामा डग का पुल है। दोस्तों रात को बहुत बड़ी कलोल हो गई हमारे साथ, मैं आगे बताऊंगा आपको। वहाँ पे हमने टेंट लगाया था, यहाँ से इस मोड़ के सामने बरोट है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है ये रोड, आगे पोलिंग विलेज है, लास्ट वहाँ तक चला गया। कल रात की आपको बात बताता हूँ मैं। एक राजगुंदा पॉइंट है, यहाँ से होके हमने जाना था लेकिन रात को हम चले गए यहाँ से, और हम जहाँ तक ये सड़क ख़त्म हुई वहाँ तक चले गए। लास्ट विलेज था पोलिंग, जहाँ से गद्दी चरवाहे आते हैं हमारी साइड, उनका वो विलेज था। फिर हमने पोलिंग के गांव के लोगों से पूछा कि राजगुंदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला आप गलत आ गए हो। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे, और दोस्तों यहाँ से ही बैजनाथ के लिए भी रोड है लेकिन बहुत ख़राब रोड है, अभी काम चला हुआ है। आजकल तो बरसात है, लैंडस्लाइड भी हुई होगी, तो आज तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा ख़राब रोड। और यहाँ से कम लोग जाते हैं, काफ़ी मैक्सिमम लोग यहीं से जाते हैं, यहीं से पीछे से घटासनी होके। तो आए तो हम वहीं से थे घटासनी होके, लेकिन अभी जाएंगे यहाँ से। हिमाचल में 12 जिले हैं, तो ये जो पुल है इस पुल से परली साइड पड़ गया आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इस पुल से इस साइड को पड़ गया आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। अभी हम दोस्तों बरोट से राजगुंदा के लिए जा रहे हैं, और पीछे ड्यूक वाले मिले और एक बुलेट वाले मिले, रॉयल एनफील्ड।
तो उन्होंने कहा कि आपने रिस्क पे ही जाना क्योंकि रोड बहुत ख़राब है आगे। और आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए झरना नीचे, और नीचे खड्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे लोगों के घर है, वहाँ भी घर हैं, पता नहीं दोस्तों लोग कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे। आपने भेड़ पालक देखे होंगे, गद्दी चरवाहे, उनके ये गांव है, यहीं से ही वो जाते हैं नीचे को। अभी यहाँ पे भेड़ बकरी नहीं दिख रही क्योंकि अभी वो ऊपर है पहाड़ों में। अभी वहाँ से वो नीचे आएंगे, एक महीना भर यहाँ पे रुकेंगे, फिर नीचे इलाकों में चले जाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे। हिमालयन बार्न डॉग अभी चरवाहों के गांव में है। जब मैं यहां पे आया था पहली बार तो मैं ये सोच के आया था कि यहां मुझे बहुत सारे टॉप क्वालिटी के हिमालयन मैस्टिफ और हिमालयन बार्न मिलेंगे। ढूंढ के भी अच्छी क्वालिटी का एक भी नहीं मिला। ये तो हम जा रहे हैं तो रास्ते में मिल गया। अगर आप ऐसे आओगे ढूँढ रहे हो तो आस छोड़ देना कि आपको मिलेंगे चरवाहों के गाँव में। गोभी लगाई है लोगों ने, छोटे छोटे से यहाँ पर खेत होते हैं। बस भी आ रही है, यहाँ पे तेंदुए नहीं होते, हमारे साइड तेंदुए बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे आतंक है भालुओं का। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे रास्ते में ये है, या तो हमें बाइक यहाँ से ले जानी पड़ेगी, यहाँ से तो नामुमकिन है, दूसरा ऑप्शन ये है यहाँ से ले जानी पड़ेगी। बहुत ही नैरो ये पुल है। और अब हमारे डॉक्टर साहब की असली परीक्षा होगी। पीछे रखो, चल पकड़ूँ, बाइक पकड़ना, बाइक को पीछे। और फाइनली दोस्तों बाइक निकल गई, ये देखिए पुल भी बहुत हिलता है ये। इतना सा दोस्तों ये पुल है, ये देखिए लिंगड़, लिंगड़ जंगल से लाए, लिंगड़ ले आए भाई, और परीक्षा में पास हो गए डॉक्टर साहब। अब चढ़ाई शुरू है और यहाँ से हम भीड़ के लिए जा रहे हैं। गंदा रास्ता है, बहुत ही गंदा रास्ता है दोस्तों, बहुत ही। अगर आप लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ से अब सीधी चढ़ाई है। पत्थर उठाने पड़ेंगे अब, यहाँ पे प्लेन सा करना पड़ेगा, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और आप देख लीजिए रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ से अभी हम ट्राई करेंगे।
बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इतनी सी जगह है। पत्थर हमने हटा दिए, रास्ता भी थोड़ा बाइक के लिए सही बना दिया। अब देखते हैं, देखिए दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी। अब भगवान के भरोसे हैं। वो जो दोस्तों पुल हमने क्रॉस किया बाइक से, वहाँ पे है, गाड़ियाँ तो आ नहीं सकती, तो गाड़ियाँ वहीं खड़ी हो गई। जितने भी बाइक थी, बुलेट्स थे, सारे उधर ही खड़े हो गए। तो अभी देखते हैं। भाई पीछे से पकड़ के रखो, आराम आराम। अगर बिना स्टार्ट किए तो चले नहीं है, देखा है यार, आपके पास ये रखो, चक्की ने कर थोड़ी जान दो। यहाँ पे दोस्तों बाइक फंस गई थी, तो हमने वापस ले ली। फिर वहाँ पे दोस्तों अभी बर्फ़ पड़ी है, जुलाई का महीना जुलाई का महीना जला है और अभी वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। तो अभी चलते हैं वापस, और क्या करना है। और भाई अपनी बाइक को यहाँ से ले जाएंगे अभी। इस वाली को नहीं ले जा सकते दोस्तों, ये तो हल्की है थोड़ी, इसलिए ये जा पा रही है बड़ी मुश्किल से। ये देखिए, बरसात के मौसम में ऐसा होता है पहाड़ों पे। खड़ी करूं? खड़नी? बैग चेक। यहाँ से तो बीड़ जाना पॉसिबल नहीं हुआ, राजगुंदा भी नहीं जा पाए दोस्तों।
मौत को छू के एकदम से लौटे हैं दोस्तों। आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा उतने अच्छे से या नहीं, इतनी इतनी सो रास्ता था बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और एक तो मिट्टी धस रही थी, अगर बाइक वापस नहीं की होती तो गए थे नीचे, इनकी तो फट गई थी। एक ही साइड पैर रखने, अगर दोस्तों उन लोगों ने हमारी हेल्प नहीं की होती ना तो हम फंस गए थे, ना आगे जा पाते ना पीछे आ पाते। बस जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और नीचे दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, लकड़ी का पुल है, घोड़े चल रहे हैं, धुंध बढ़ गई है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ऐसी जगह पे घर हो अगर। मैं तो दोस्तों यहाँ पे साल में इस बार तो मैं 6-7 बार आया साल में यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ से नज़दीक है। और देखिए मतलब ठंडी ठंडी हवा, ड्रोन नहीं हमारे पास नहीं तो दोस्तों मज़ा आ जाता, लैपटॉप भी नहीं है कुछ भी नहीं। मेरा दोस्तों मन है यहाँ पे रुकने का, लेकिन ईवा भी रूम में है, दोस्त के सहारे छोड़ी है। और ये भाई अभी दिल्ली जाएंगे, ये भी वापस आ गए, ये इन्होंने तो पुल भी क्रॉस नहीं किया, पुल क्रॉस करने वाले थे, हमने रोक दिया इनको, मत जाओ हम भी आ गए वापस। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हरिओम।